I'm indeed happy that very many members are saying that they want to participate in the discussion. And आपने सही कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और अगर ऐसे महत्वपूर्ण बिल में जब भी ऑपोजिशन के मेंबर्स चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार है हम भी उन चर्चा के पॉइंट्स को सुनने के बाद जवाब देने का भी तैयार है मगर मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि चर्चा में भाग लेने के बजाय उसको इतने सारे डिस्टर्बेंस करने का उस डिस्टर्बेंस का रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं इसीलिए मेरे दुख से ये कहना पड़ रहा है कि इस बिल का समय के आवश्यकता को जानते हुए और समय का आवश्यकता इसीलिए है कि बहुत सारे केसेस ऐसे पड़ा हुआ है ये ट्राइब्यूनल के विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके अपने जजमेंट दिए हैं इस माहौल में हमने क्या क्या एक ऑर्डिनेंस ले आए फरवरी में इस बिल को पेश करने के बाद वो ऑर्डिनेंस को विड्रॉ करके अभी बिल ले आना चाह रहे हैं अगर और बिल नहीं पारित होता नॉर्मली ऑर्डिनेंस ले आना पड़ता है ऑर्डिनेंस ले आने में भी ऑपोजिशन को सही नजरिया से उनको आपत्ति है कि क्या गवर्नेंस ऑर्डिनेंस के रूप में चलना चाहिए बिल्कुल नहीं बिल जरूर कंसिडरेशन में आना चाहिए चर्चा होना चाहिए और एक्ट के द्वारा गवर्नेंस होना चाहिए मगर जब हम ऑर्डिनेंस को बंद करके कानून ले आने के लिए इस बिल को ले आ रहे हैं उसके ऊपर चर्चा ना करते हुए मगर इसको पारित भी ना करते हुए ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पास ले आने के लिए ऑपोजिशन का ये नोइंगली और अननोइंगली ठीक नहीं है जो कर रहे हैं इसीलिए मैं ऐसे एक शुरुआत से ये विषय बोलना चाह रही हूँ ऑर्डिनेंस में जितने भी विषय था वही इस बिल में है ऑर्डिनेंस में जितने भी विषय इन रेस्पॉन्स टू कोर्ट हमने किया वो भी इसमें है इसीलिए समय को मन में रखते हुए जल्दी इसको पास करने के लिए मैं सबको हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज इसको पास करिए